आपका फ्यूचर कैसा होगा? दिन खराब तो नहीं चल रहे? पैसा कब आएगा? 7:30 तो नहीं लगी हुई है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जवाब नहीं दे रहे? शादी कब होगी? नौकरी या बिजनेस? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर आरती से जानेंगे कि राजयोग का फायदा कब मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी एप्स हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, धन योग और राजयोग। एक नीच भंग राजयोग भी होता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह नीच के हैं पर उसका भंग करता हुआ भी कोई ग्रह है तो वो राजयोग प्रबल राजयोग होता है, जो कि आपके भाग्य रेखा से कनेक्ट कर रही है। उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि किस किस समय में जीवन के किस किस समय में आपके उतार चढ़ाव या आपके भाग्योदय के वर्ष हैं। जो 7:30 का अंतिम पड़ाव रहता है, धन मकान संपत्ति सब कुछ देखे जाता है। कर्म बंधन, हम बहुत सारे कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हैं। लोग हमेशा प्रेजेंट से ज़्यादा टेंशन लेते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर कैसा होगा, उनसे जुड़े कई सवाल भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि ज्योतिष विज्ञान क्या होता है। तो इस जो टॉपिक है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो आज हम इनसे जानेंगे हमारे सवालों के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में, और कुछ टिप्स भी लेंगे फ्यूचर को बेटर करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल जी, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले मैं जय सियाराम से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सभी कुछ ईश्वर की शक्ति से चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी या शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो ज्योतिष, तो ज्योतिष जो है वो ज्योति और ईश, ईश्वर की ज्योति जहाँ से प्रज्वलित होती है, जहाँ से ज्योति जो दर्शन जो रास्ता ईश्वर दिखाता है उसी को ज्योतिष बोलते हैं। 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों की युति है और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो ज्योतिष के बारे में बताते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। तो आपने अभी प्लैनेट्स वगैरह के ग्रह वगैरह के बारे में बात की। ग्रह वगैरह कितना डिपेंड करते हैं हमारे रेखाओं के, हमारे भविष्य के ऊपर क्या डिपेंड करते हैं, इफ़ेक्ट क्या डालते हैं? हमारा जीवन ग्रहों पर डिपेंड करता है, है ना। हर ग्रह की हमारी एक फ्रिक्वेंसी है। मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे इतना पता है कि हर किसी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी। ग्रहों की भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपका जब जन्म होता है तो जिस राशि जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, जिस घटी पल में आपका नक्षत्र में आपका जन्म होता है, उस घटी पल के बेसिस पर आपकी कुंडली काम करती है। तो ग्रहों की फ्रिक्वेंसी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, आप देखेंगे अभी एक रिसर्च पेपर मैं 5 दिन पहले ही पढ़ रही थी, अमावस्या के दिन एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो और रिसर्च पेपर भी बताते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, जैसा क्योंकि हम 80% हमारा जो शरीर बना है उसमें 70% मतलब 100% में से 70% हम वाटर हैं, और वाटर अमावस्या और पूर्णिमा के बेसिस पे फ्लो होता है और हमारे शरीर में भी फ्लो होता है। नक्षत्रों की फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करें तो बोलेंगे हज़ारों कोसों दूर है नक्षत्र, पर नक्षत्र दूर हैं पर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कई रिसर्च इसको प्रूव कर चुके हैं। गुरु इतना बड़ा प्लैनेट है, पर अगर गुरु अपनी जगह पे नहीं होता, सूर्य अपनी जगह पे नहीं होता, तो पृथ्वी अपनी जगह पे नहीं होती। फिर पृथ्वी पे इम्पैक्ट डाल सकते तो हम तो बहुत छोटे प्राणी हैं। समुद्र पे इम्पैक्ट डाल सकता है चंद्रमा इतना दूर रह के। अगर आप देखो ज्वार भाटा आता है तो हम पे क्यों नहीं डालेगा, हमारे अंदर भी तो ज्वार और भाटा ही आता है। इसीलिए ग्रहों का इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने ग्रहों को कितना मजबूत बनाया हुआ है। मजबूत बनाने के लिए ज्योतिष में बहुत सारे उपाय हैं। उपाय में आपने अपनी कितना मतलब बोलना चाहिए अपनी कितनी फ्रिक्वेंसी लगा रखी है उपाय को, बहुत पर्टिकुलरली आपने कितना अपना लिया है। तो जैसा आप सोचते हो वैसे मैनिफेस्टेशन का आजकल दौर चल रहा है, आप लोग देखोगे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन 352 लिख लो, 4812 लिख लो, पैसा आएगा। मतलब अभी तो इसका कोई प्रूवन मतलब कोई रिजल्ट्स नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, पर हमारा थॉट वैसा होने लग जाता है कि हमने 4812 लिख लिया है अभी पैसा आने वाला है। थॉट आपका जीवन थॉट से चलता है और आपके थॉट ग्रहों से चलते हैं। धन योग और राजयोग, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो क्या होता है? देखिए राजयोग मैक्सिमम बहुत सारी कुंडलियों में राजयोग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि राजयोग मेरी कुंडली में नहीं है, आपकी कुंडली में नहीं, कोई ना कोई राजयोग 365 प्रकार के राजयोग हैं, जिसमें से हर एक की कुंडली में एक हाथ ना एक हाथ राजयोग होता है। अब फर्क ये पड़ता है कि वो राजयोग के लिए वो स्टेज वो दशा वो महादशा आई कि नहीं आई। राजयोग जिस पर्टिकुलर
दशा महादशा में काम करता है आपके जीवन में, वो 110 साल की महादशा हम ज्योतिष में बताते हैं, हमारा जीवन 70 साल, 80 साल, 82 साल, 85 साल, पता चला वो 108 साल में आ रही है, 102 साल में आ रही है, तो वो राजयोग काम नहीं करेगा। पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो राजयोग पे काम करते हैं। पर नीच भंग राजयोग जिसकी कुंडली में हो, एक नीच भंग राजयोग भी होता है, अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह नीच के हैं पर उसका भंग करता हुआ भी कोई ग्रह है, तो वो राजयोग प्रबल राजयोग होता है, और उसके व्यक्ति बहुत, बोलना चाहिए नीचता से, मतलब बहुत निम्न स्तर से बहुत उच्च स्तर की तरफ जाते हैं। तो राजयोग बहुत सारे हैं, पर प्रभाव तभी देते हैं जब उसका समय आता है और उतनी ही फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हो। अष्टम भाव का राजयोग काम नहीं करेगा, दशम भाव का राजयोग काम करेगा। ये क्या होते हैं अष्टम भाव? अष्टम भाव कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, और मृत्यु के भाव में राजयोग होगा तो काम तो नहीं करेगा। काम करेगा पर उतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं करेगा जितना दशम भाव का करेगा या पहले भाव का करेगा। इसीलिए राजयोग का इम्पोर्टेंस हम तभी कहेंगे जब वो सही जगह पे हो और सही दशा और महादशा में आता हो। कौन सी हाथों की रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं जो बताती है कि लग्जरी आने वाली है, पैसा आने वाला है या पैसा कब आएगा? भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, हमारे हाथ में, हर किसी के हाथ में भाग्य रेखा होती है। यहाँ पे एक सीधी लकीर आपको बहुत सारे हाथों में दिखेगी, कई बार आपको मजदूरों के हाथों में भी दिखेगी, पर ज़रूरी नहीं है कि भाग्य रेखा एकदम सीधी है तो वो काम करेगी। भाग्य रेखा में कितने उतार चढ़ाव आपके जीवन रेखा से कांटेक्ट करने पे, मतलब कितने सारी महीन धारियां हैं जो कि आपके भाग्य रेखा से कनेक्ट कर रही हैं, उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि किस किस समय में जीवन के किस किस समय में आपके उतार चढ़ाव या आपके भाग्योदय के वर्ष हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे रेखा लंबी लंबी होती जाती तो पैसा पैसा आ जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप शाहरुख खान का हाथ देखिए, उनका तो हाथ में क्या है। नरेंद्र मोदी का हाथ देख, नहीं मैं बता रही हूँ, मोदी जी का हाथ देखिए। आप देखिए, अब हम लोग इस फील्ड में है ना, तो आप, अभी मैं आपको एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से, उन्होंने फिर से अपना जीवन एक तरह से बोलने से स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पहले बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी में थे वो लोग। आप देखोगे कभी वो दो नीलम पहनते हैं हाथ में और कभी एक नीलम पहनते हैं, वो फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप उनका हाथ उठाओगे तो उनके हाथ में भाग्य रेखा बहुत छोटी सी है, तो क्या भाग्य ने काम नहीं किया? किया, पर जिस समय भाग्य ने काम नहीं किया वो 9 साल उनके जीवन के सबसे खराब समय भी किया। तो भाग्य रेखा काम करती है, पर आप जैसा कर्म करते हैं, देखिए कुंडली काम करती है पर कर्म के बिना कुंडली भी काम नहीं करती है, और कर्म को प्रभावित करते हैं ग्रह। इसीलिए हम जब ईश्वर के सामने अपना मत्था टेकते हैं तो क्या बोलते हैं, हे ईश्वर कुछ ना दे सद्बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि सद्बुद्धि होगी आपकी, अगर सद्भावना सद्बुद्धि आपके अंदर होगी तो आप 101% आप सही दिशा में सही डायरेक्शन में जाओगे और सही काम करोगे। बोलते हैं ना कि मुझे तो 7:30 लग रही है, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये क्या ग्रहों की वजह से होती है, शनि भगवान लग जाते हैं? 7:30 लगती है तो परेशानी आती है, पर 7:30 आपको अंतिम, जो 7:30 का अंतिम पड़ाव रहता है वो आपको कुछ स्टेबल चीज़ें देके जाता है, घन धन मकान पुत्र पुत्री और घर में वृद्धि संपत्ति सब कुछ देके जाता है। परेशानी आएगी पर परेशानी से आप सॉल्यूशन निकालोगे, तो 7:30 खराब नहीं है। शनि महाराज जिसको प्रसन्न हो जाए जीवन में, या 7:30 प्रसन्न हो जाए, आप वो बोलना चाहिए अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे आ जाता है, ये चीज़ें चलती है। तो आप फर्श अर्श पे चले जाओगे अगर शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए एक लाल किताब भी है ज्योतिष में, एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत पहले लाल किताब लिखी गई जिसमें बहुत सारे उपाय बताए गए कुंडली के बेसिस में। अब कुंडली भी बहुत लोगों ने, साउथ में अलग तरीके से कुंडली काम करती है, नॉर्थ में अलग, तो अलग करेगी ना, क्योंकि हम अलग अलग अक्षांश और देशांतर, या बोलना चाहिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में रहते हैं, इसलिए कुंडली भी अलग तरीके से काम करती है। फॉर लोग बोलते हैं जो ट्विंस होते हैं उनकी कुंडली अलग अलग होती है, भविष्य जीवन भी अलग चलता है उनका, क्योंकि घटी पल का, घटी पल का अंतर आ गया। और कर्म बंधन कुंडली में हम देखते हैं, अभी जो मेरा नया, मैं शोध अभी करने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्म बंधन, हम बहुत सारे कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हैं, पितृ ऋण हो गया, पुत्र ऋण हो गया, मातृ ऋण हो गया, भार्या ऋण हो गया, मतलब पत्नी का ऋण, मतलब आपकी शादी भी उसी से होगी जिससे आपका ऋण है। तो कुंडली केवल एक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती, एक धन योग राजयोग पे काम नहीं करती, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे आप कुंडली देखते हैं, उसी के बेसिस पे आप उसको उपाय बताते हैं, उपाय के बाद आप उसका आउटपुट, जितने भी ज्योतिष लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं इसमें ज्योतिष शास्त्र में, या इसको पढ़ना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप आउटपुट लें, जितने भी लोगों की कुंडली देखिए उसका डेटा रखें, देखें कि हमसे कोई गलती नहीं, हम भी तो इंसान हैं, हमसे गलती तो नहीं हुई है, हमने ऐसा तो नहीं कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर भैया सब सही होगा, ऐसा नहीं होता है।
है ना, आपको सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखने पड़ेंगे, दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर और योगिनी महादशा, ये दशाएं आपको देखनी पड़ेगी कंटिन्यूसली कि चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे लोगों के हाथ में तिल होता है, हाँ, तो बोलते हैं कि बहुत पैसा आएगा। हाँ, किसी के पैर में तिल होता है, बोलता है कि एक जगह टिक नहीं सकता। हाँ, तो तिल भी असर करते हैं क्या इन सब चीज़ों? हाँ, तिल आपने देखे होंगे कई लोगों के हाथ में तिल आते हैं और चले जाते हैं, होता है। तो धन आने वाला होता है तो ऐसा बोला जाता है कि तिल आ गया, पर तिल का भी कॉन्सेप्ट है आपके ब्लड में बोलना चाहिए आपके आयरन की मात्रा बढ़ती है। आयरन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? आपके फूड में या किसी न किसी चीज़ में चेंजेस आए होंगे, इसलिए कुछ ना कुछ मात्रा आपके शरीर में बढ़ी है जिससे तिल उभर गया है ना। तिल उभरा है तो उस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों उभरा है ना, ये फ्रिक्वेंसी का बात है। तो आपकी बॉडी कैसे फ्रिक्वेंटली रिएक्ट कर रही है, इसीलिए अच्छी जगहों पर अच्छे लोगों से अच्छे विचारों में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी मम्मी पापा बोलते हैं ना, अरे ज़्यादा मत सोचो, चिंता नहीं करना। और हमारे गुरुजी बोलते थे कि चिंता चिता की जड़ है। हाँ, तो चिंता ना करें, चिंता करेंगे तो आप, एक क्रिलियन कैमरा भी आता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगी। आप जैसा थॉट करते हो आपके आसपास की 1.5 फीट की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। अच्छा? मैं आपके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाऊँ बिल्कुल अंततः, मतलब बिल्कुल अंतरात्मा से, तो आपको फील होने लग जाएगा कि शी डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, ये मुझसे बात नहीं करना चाहती है। ऐसा फील होता है ना कि भाई ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, ये वाइब्स है और ये फ्रिक्वेंसी है और कुंडली भी फ्रिक्वेंसी है और हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। कृष्ण भगवान ने भी भागवत में कहा है कि मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, किससे? खुद से ही, खुद से प्रार्थना करता हूँ हर किसी के लिए कि भैया बुद्धि दो और सबके लिए मार्ग। दुर्योधन से भी पूछने गए थे कि मैं किसकी तरफ से युद्ध लड़ूँ, तुमको मेरी सेना चाहिए कि मैं चाहिए? दुर्योधन ने बोला नहीं, मुझे तो तुम्हारी सेना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी दिख रही थी, पर उसने एक फ्रिक्वेंसी को नहीं पहचान पाया कि अगर केवल एक ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी सेना चाहे रहे ना रहे पर हमारा काम तो हो जाएगा। ना क्या फर्क पड़ता, भगवान साथ होने चाहिए, भगवान साथ होने चाहिए। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं यहाँ पे और भी जो लोग हैं वो और यूथ जो सबसे ज़्यादा है कि हमारे रेखाओं में चांद बनता है। हाँ, कि पूरा चांद बन जाएगा तो लव मैरिज या फिर सुंदर बीवी मिलेगी, ऐसा कुछ होता है? हमारे यहाँ जो कंसेप्ट चलता था, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो लव मैरिज नहीं बोल सकते हैं उसको, हम गंधर्व विवाह बोलते थे। हाँ, गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह कुंडली में पता चलता है, पर ऐसा नहीं बोला जा सकता कुंडली को पर्टिकुलरली देख के कि इसका गंधर्व विवाह होगा ही होगा। योग सबकी कुंडली में होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि जिसको किसी से प्रेम ना हो, वो तो बुद्ध हो जाएगा जिसको प्रेम ना होगा, है ना। तो योग सबकी कुंडली में होते हैं, योग प्रबल कितने होंगे तो प्रबल की कंडीशन देखी जाती है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि आपको आपका लवर मिल जाएगा। अगर आपने आपका कोई प्रेमी है जो आपसे बिछड़ गया है तो वो आपको कॉल करेगा। ये जो भ्रम फैलाया गया है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, ये गलत भ्रम है। कोई भी ज्योतिष आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लवर का कॉल आपको या प्रेमी का कॉल आपको आएगा या प्रेमिका का आपको कॉल आएगा, वो फिर से आपके पास आ जाएंगी या बात करने लग जाएंगी, ये कुंडली से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आजकल जब अपन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे ऐप दिखाते रहते हैं, ऐड आते रहते हैं कि उससे एस्ट्रोलॉजर से बात की, इस बहुत टाइम से मैसेज नहीं आ रहा था लेकिन आपसे बात की, आपने जो उपाय दिखाया वो हो गया, मैसेज हो गया। तो ये जो हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग डिजिटली कनेक्टेड हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो बिना कुंडली देखे ये सब रिसर्च से ये प्रूफ नहीं हो सकता। रिसर्च ये प्रूफ नहीं करते हैं कि कुंडली देख के आपके प्रेमी या प्रेमिका का कॉल आ जाएगा या वो आपसे मिलने आ जाएंगे, कुंडली ये चीज़ें नहीं बताती। कुंडली ये बताती है कि आपके संबंध किसी व्यक्ति से कैसे हैं, संबंध ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पर इमिजिएटली आज हमने उपाय किया है और अगले 2 दिन में ऐसा हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल 99.9% नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया है, कुंडली जितने भी ऐप्स हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, और मैं जितने भी जो जनता देख रही है हम लोगों को और जितने यूथ हमको देख रहे हैं, कृपया इस तरह के भ्रम जाल में ना पड़े, आपका समय और आपका धन दोनों व्यर्थ होगा। बच्चों के जो ग्रह होते हैं, बच्चों की जो होता है वो माता पिता के ऊपर या फैमिली में किसी के ऊपर इफेक्ट करते हैं? करते हैं। कैसे करते हैं? जब तक बच्चा आपके घर में, कोई भी बच्चा जब तक 12 साल का नहीं होता है तब तक माता और पिता के कर्म ही भुगतता है। तो कई बार बोला जाता है कि भाई घर में कोई बिटिया का जन्म हुआ या बेटे का जन्म हुआ तो घर में लक्ष्मी आई, पैर पड़ने पे लक्ष्मी आई या नहीं आई, ऐसा बोला जाता है कि या वो घर से चली गई तो लक्ष्मी भी चली गई हमारे घर से।
समृद्धि वाले पैर या कुंडली होती है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी है वो धन को, पैसे को, समृद्धि को, प्रसिद्धि को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा ऐसे लोग होते हैं, इसलिए कहीं शुभ कामों में आप देखोगे कन्याओं का चेहरा देख के निकला जाता है। घर में कोई कन्या हो तो उसको बोला जाता है कि अगर हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो गाड़ी के सामने या कार के सामने आके खड़े हो जाओ। ये होता है, और ये भी इसीलिए क्योंकि कन्या जब तक कि वो अपने बोलना चाहिए अपने युवावस्था में नहीं आती, तब तक वो उसकी फ्रिक्वेंसी एक देवी की तरह मानी गई है। और फीमेल्स की फ्रिक्वेंसी वैसे भी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी काउंट होती है। अगर आप लोग फ्रिक्वेंसी कैमरा कभी हम लोग लगाएं और उसके ऊपर कभी हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगी हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं हम लोग, हाई फ्रिक्वेंसी है। तो कन्या की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तो जब आप एक हाई फ्रिक्वेंसी से गुजरोगे, उसको सामने रख के उससे सामने साथ से निकलोगे, तो कुछ नेगेटिव भी होगा ना तो पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाता है। मैंने वो भी देखा है कि कोई लोग कहीं जा रहे हैं तो पानी का घड़ा लेके उनके सामने मिल जाओ तो वो भी शुभ होता है, शुभ माना जाता है। अगर आपको ये जो जमादारनी होती है वो अगर सामने से गुजर रहा है तो शुभ माना जाता है। ये है, ये फैक्ट है, और ये इसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है, पर ऐसा मैंने अपनी लाइफ में भी फील किया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब ऐसा कुछ सामने से आपके गुजरा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। पितृदोष, कल्प सर्प योग जो ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि उनके पितरों का दोष है जो हम आने वाली पीढ़ी तक झेल देखती है ऐसा? देखते हैं, आपकी कुंडली का जो नवम भाव होता है, 12 भावों में से जो नवम भाव होता है वो पितृ के बारे में, आपके पितरों के बारे में, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में बताता है। अब हम बोलते हैं ना कि देखिए, मैं अपने थोड़े धर्म की बात करूँगी कि हिंदुस्तान या हम जो भारत में रह रहे हैं, भारत का एक संस्कृति है कि शादी होती है तो पड़ोस पड़ोस के लोग नॉर्मली पूछने लग जाते हैं आप क्या इशू कब होगा, संतान कब होगी। संतान प्राप्ति करना भी एक सुख की बात है। अभी एक नया कल्चर आ गया है कि पता नहीं उसको कल्चर का नाम मैं पढ़ा था मैंने अभी, बस हम दो रहेंगे, हमारी डबल इनकम और नो चिल्ड्रंस, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी आपके जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें चल रहा है। ये जो ये लोग हैं ये राक्षसी प्रवृत्ति है, संतान होना, विवाह होना, इस 16 संस्कार में से एक संस्कारों में से है। संस्कार को हम हटा नहीं सकते, आप बोलते हैं ना बहुत संस्कारी बच्चा है, क्यों? क्योंकि उसने किसी के पैर छू दिए, कोई आया तो उसने पानी दे दिया। तो अगर हम पितृदोष की बात करते हैं या हम काल सर्प दोष की बात करते हैं, पितृदोष और काल सर्प दोष दो अलग अलग दोष हैं। जब राहु केतु के अंडर में सब ग्रह आ जाते हैं, एक तरफ कुंडली में एक तरफ प्रभाव में चले जाते हैं, तो काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत मीडियम, नॉर्मल, नहीं असर करने वाला, और बहुत ज़्यादा असर करने वाला। और पितृदोष नवम भाव का दोष है जिसमें बुध का दोष आ जाता है। तो मतलब कोई आपके पितर हैं जो संतृप्त नहीं हुए, उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है, तो वो कुंडली बताती है कि ऐसा है जिसके कारण आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ रही है। तो पितृदोष के निवारण के लिए आपको उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में नासिक जाना पड़ेगा, उस नदी में स्नान करके तर्पण करना पड़ेगा, अपने ईश्वर को, अपने पितरों को याद करना पड़ेगा और उनके नाम से कुछ ना कुछ आपको दान करना पड़ेगा। तो ये अब बोलोगे कि भाई ये तो सब आप लोग हमको मतलब बोलना चाहिए एक तरह से बहुत ज़्यादा अंधकार, मतलब आप लोग हमको गलत चीज़ें बता रहे हो, अंधविश्वास की चीज़ें बता रहे हो। पर अब आप बताती हूँ, आप यहाँ से डिस्कोथेक में गए, माइंड की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, आप कितना ही रोते हुए जाओ वहाँ पर नाचोगे, है ना, वहाँ से छोड़ो, डिस्कोथेक से निकल के मंदिर चले गए, फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, आप फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, आपके अंदर थोड़ी धर्म की, थोड़ी अच्छी भक्ति भावना वाली भावना, कोई कितना ही नास्तिक हो भावना आती है। ऐसे ही जब आप अपने घर को छोड़ के किसी नदी का स्नान करते हैं, पवित्र नदी क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहती रहती है। तालाब को हम पवित्र तो नहीं बोल रहे, हमारे भोपाल में बहुत तालाब है, हम पवित्र नहीं बोलते, उसका स्नान भी हम पवित्र नहीं बोलते, ठहरा हुआ है। बहती हुई नदी को पवित्र माना जाता है क्योंकि आप जितना बहता हुआ जल होता है वो शुद्ध होता है। तो आपने अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज किया, आप उस जगह पे स्नान कर रहे हो, आपने अपने पितरों को याद किया, तो पितर होते हैं, पितर होते हैं आपके ही परिवार में जन्म भी लेते हैं, और उनके लिए हमें संतृप्ति के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मनोकामना रह गई थी जो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। तो जैसे किसी की संतान की रह जाती है तो हम बोलते हैं ना भाई बच्चों की जल्दी शादी कर दें, टाइम से बच्चे हो जाएं। ये मैं आपको बोलता हूँ, मैं 12वीं तक इन सब चीज़ों से, मैं जब 12th कर रही थी मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी, पर समय के साथ साथ मुझे पता चला कि जो नियम धर्म कानून जो शास्त्रों में बताए गए हैं, हमारे वेदों में बताए गए हैं, शास्त्रों में लिखे गए इतने सारे शास्त्र किस लिए, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से जी लें, क्योंकि लिमिटेड है ना, 70-80 ईयर्स लिमिटेड है, उसको व्यवस्थित जी लें।
तो नियम कानून, तो हम अपने पितरों को याद करें, अपने पितरों का एक तर्पण देते रहें और उस दोष की शांति करें। तो दोष नहीं है, केवल हमको उनकी शांति करनी है, तो कुछ ना कुछ जो चीज़ें जो नेगेटिव हो रही थी लाइफ में वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो केवल हिंदू धर्म में होता है कि पितृदान, पिंडदान जिसको बोलते हैं, सारे धर्मों में होता है। क्रिश्चियन पिंडदान नहीं करते हैं वो, पर अपने पितरों को वो लोग भी याद रखते हैं, कैंडल जला के अपने पितरों को याद करते हैं वो तरीका। और केवल हिंदू धर्म की बात मैं इसलिए करूँगी क्योंकि सारे धर्मों का जन्म हिंदू धर्म से ही हुआ है। आप कहीं के विश्व में किसी भी धर्म को देख लो, एक एक ही धर्म है, पूरे विश्व में बहुत धर्म है, पर भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू धर्म काम कर रहा है। और एक तरह से बोलना चाहिए हम लोग एक एक ही थॉट प्रोसेस में काम करते हैं, है ना। तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के अलावा भी सारे धर्म वाले अपने पितरों को याद करते हैं, है ना। वो तो पितरों को तो छोड़ दो, वो जीते जी मम्मी पापा को भी याद करते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, विमेंस डे मनाते हैं, क्योंकि उनको तो विमेंस की लिबर्टी नहीं थी ना। हमारे भारत में हजारों वर्ष पूर्व के वेदों को पढ़ लो, सारी फीमेल्स को अपनी लिबर्टी, अपना, हम हमारे यहाँ महिलाएँ राजा महाराजा किंग रही हैं, पर उनके यहाँ तो नहीं रही। तो हम तो ये सब चीज़ों पे, तो हम अगर अगर इस पे डिबेट करने आएंगे तो बहुत बड़ी मतलब समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। धर्म के बारे में बात नहीं करूँगी, बस मैं इतना कहूँगी कि हर धर्म वाले अपने पितरों को याद करते हैं, तरीका अलग है। तो हमने अब क्या हुआ है कि तरीका बहुत सिंपल था, याद करो, तर्पण करो, पंडित को कुछ 11 रुपये, क्योंकि पंडित का जीवनचर्या ही हमारे 11 रुपये से चलती थी, है ना। तर्पण कर दो, तर्पण से ईश्वर को ध्यान कर दो, आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं ईश्वर से मिल गई, भाई उसको कुछ ना कुछ शांति संतृप्ति मिली होगी। पर पंडित को 11 रुपये, आप पंडित तो कमाने लगे, नौकरी करने लगे हम जैसे पंडित, तो अगर हमको नहीं भी दोगे तो चलेगा। दक्षिणा, दक्षिणा इसलिए दी जाती थी ताकि आपका घर चलता रहे दक्षता के साथ, पर दक्षिणा का कॉन्सेप्ट अलग है। अब वो उसको मतलब बोल लीजिए अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया है, आप 25,000 दो, 1,00,000 दो, 28,000 दो, तब आपका पूजा पाठ होगी, तब मैं आपको तर्पण करवाऊंगा, तब आपके पितर संतुष्ट होंगे। तो पितर संतुष्ट होते हैं दान धर्म से, पर आपका दिल में उसके लिए मतलब एक अंदर से होना चाहिए कि मुझे दान करना है, एक धर्म का कार्य करना है, तभी होता है, अदरवाइज तो नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनी हुई आती है, तो जैसे एक दोष, मांगलिक दोष होता है जिसके बारे में पुराने ज़माने में बहुत मानते थे, आज भी बहुत मानते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो चला ही आ रहा है। तो मांगलिक दोष वाले जो लोग होते हैं उनकी पेड़ से या किसी और चीज़ से शादी कराने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुंभ विवाह या घट विवाह बोलते हैं। कुंभ विवाह इसलिए करवाया जाता था क्योंकि कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिसको पगड़ी मंगल बोला जाता है, जिसमें आपके जो भी आपका मतलब जो साथी है उसकी डेथ होने की संभावना है, उसमें मेल भी और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल फीमेल्स का ही करवाया जाता था, शास्त्रों में लिखा है मेल्स का भी करवाया जाता था, लड़कों का भी करवाया जाता था। धीरे 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 ज्योतिष को अंधविश्वास में बदल दिया गया और केवल लड़कियों का करवाने लगे कि भाई केवल लड़कियों का ही हस्बैंड जाएगा तो मुश्किल है, इसकी वाइफ चली गई तो इसको प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लड़कों का भी घट विवाह करवाया जाता था। घट विवाह की परंपरा ऐसी थी कि भाई घड़े से विवाह नहीं होता था, केवल घड़े के साथ सांठगांठ मतलब आपने फेरे भी नहीं लेते थे, केवल घड़े के साथ आपने एक हवन कर लिया। एक जैसे राम भगवान जब सीता मैया को मतलब जब वनवास आने के बाद उन्होंने जब धोबी के कहने पर त्याग दिया था तो सोने की मूर्ति बिठा के उन्होंने एक बुलंची हवन किया था, जो हवन उनको करना था। बट क्या हुआ कि हम जब घट विवाह करते हैं तो वो यही है कि एक है जिसको फोड़ दिया है, फोड़ देते हैं उसको बाद में, वो है वो हम मैंने कई कुंडलियों में देखा है घट विवाह नहीं करा है तो हस्बैंड या वाइफ की, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड मतलब आप समझिए कि KG 1 ऑनवर्ड्स हम लोग साथ में पढ़े हैं, उसकी शादी में मैंने उसको मना किया था, पगड़ी मंगल है, इस टाइम में शादी नहीं करना है, इस लड़के से अगर शादी करना है तो थोड़ा वेट कर ले, पर उसके पापा नहीं माने। हमारी 2 घंटे बहस हुई शादी के, 15 दिन पहले भी, 8 दिन पहले भी, पर नहीं माने। इन 4 मंथ्स उसके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और डायरी में लिखे हुए हैं। तो ये मंगल दोष होता है, पर हर किसी को आप मंगल दोष नहीं कह सकते। अगर आप कॉम्बिनेशन बिठाया जाए तो 26,825 समथिंग कुछ नंबर्स हैं, 25,000 के बाद कोई एक कुंडली में ऐसा पगड़ी मंगल दोष आएगा, वो भी उस नक्षत्र में हो तो, अदरवाइज उसका भी इम्पैक्ट नहीं होता है। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, उसमें नक्षत्रों का खेल बहुत है, क्योंकि जो दिन है वो नक्षत्र की फ्रिक्वेंसी है।
सोमवार को सोमवार क्यों कहा जाता है, मंगलवार को मंगलवार क्यों कहा जाता है, नक्षत्रों के से चला आ रहा है तो नक्षत्र है। अच्छा हाँ नक्षत्र है। सोमवार को शिव जी की ही पूजा क्यों की जाती है, नक्षत्र है उस दिन की, उस फ्रिक्वेंसी है, कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमको लेना है, इसलिए सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, मतलब नक्षत्रों के हिसाब से अपने वार डिसाइडेड है जी। और वैसे ही भगवान की पूजा, वो तो अंग्रेजों ने बीच में बना दिया, संडे मंडे संडे छुट्टी, हमारे संडे छुट्टी कभी नहीं होती थी, अंग्रेज आए जब से बोला गया संडे छुट्टी है, संडे हॉलीडे, हमारे कभी नहीं होता था, तो कोई हमारे जब नहीं होता, हमारे संडे हॉलीडे नहीं होता था तो कौन सा होता, क्योंकि हम तो किसान थे, हर दिन काम, हर दिन काम करना है, और जब छुट्टी मनानी है तो तब छुट्टी भी मनानी है, हम किसान थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे स्कूल वाला नहीं था। 1830 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि जितने भी आपके गुरुकुल चल रहे हैं सारे बंद कर दिए जाए, 55,000 गुरुकुल बंद हुए हैं पूरे इंडिया में। गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था, ज्योतिष विद्या, आपको तीरंदाजी सिखाई जाती थी, आपको भोजन बनाना, लड़कों को भी भोजन बनाना, घर की सफाई लिपाई पुताई खेती किसानी साइंस से लेके हर चीज़, नालियाँ कैसे बनाई जाती है, नहरें कैसी बनाई जाती है, घर कैसे बनाए जाते हैं, कपड़े कैसे सिले जाते हैं, सब सिखाया जाता है। ज्योतिष हमारे जीवन का एक पार्ट था, पर अब हमारे ज्योतिष हमारे जीवन का पार्ट नहीं रह गया, अंधविश्वास में, अंधविश्वास में नहीं, हमारे जैसे ही ज्योतिष कुछ हैं जो जिसको अंधविश्वास में बदल दिया गया। हाँ कुछ हैं पैसा कमाने के चक्कर में कि भाई किसी को, मैं आपको डरा दूँ आज कि तुम्हारी तो शादी हो ही नहीं सकती, कुंडली में योग नहीं है, क्या करोगे, क्या कर सकते हैं हम, आप बोलोगे कुछ करिए कुछ पूजा पाठ, मैं बोलूँगी लाइए 21,000 कल हवन करते हैं, वो ज्योतिष को भी नहीं पता इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, पर वो डरा सकता है। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, डराते हैं, मर गए तो पैसा किसको, बीवी को बच्चे को शादी के लिए पैसा दे के जाओ, इसे ज्योतिष भी डराते हैं। ज्योतिष डरने की चीज़ नहीं है, ये साथ लेके चलने की चीज़ है, जैसे हम गणित को साथ में लेके चलते हैं, विज्ञान को साथ में लेके चलते हैं, ऐसे ज्योतिष को साथ में लेके चलना है। दिन नक्षत्र समय वार तिथि, आपकी माँ बोलती है ना कभी ऐसे उल्टे मुंह करके नहीं जाना, घर से ऐसे बोल के मत जाओ कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा बोलो आ रहा हूँ, ये सब शब्द भी तो फ्रिक्वेंसी है, इन पर तो बहुत डांट पड़ी है कि अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलो, घर से बाहर निकलो तो पानी पी के जाओ, ये ज्योतिष ही है, ये जो घर में अपनी दादी नानी तो कितने समय से आज बोलती थी नहीं नहीं आज दक्षिण में नहीं जानू, ऐसे बोलते थे हमारी दादी कि दक्षिण में नहीं जाना आज, आज उस दिशा में दिशा शूल है, आज पश्चिम में नहीं जाना दिशा शूल लगा हुआ है, आज खेती में ये नहीं बोना दिशा शूल लगा हुआ है। कोरोना के बारे में बहुत सारे अफवाहें फैली थी कि कोरोना ऐसा आया, हर 100वें वर्ष में, अब कोरोना नहीं आया, हर 100वें वर्ष में आएगा, फिर से कोई ना कोई महामारी आती है और महामारी काल का रूप हो, ज्योतिष की गणना उसके आगे फेल है। हाँ उस वक्त कोरोना आया था तो बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन भी आए थे कि ऐसा होगा, नहीं नहीं काल, जब काल आता है ना, काल का ग्रास बोला जाता है, उसमें कुंडली काम नहीं करती, कुंडली नॉर्मल डेज नॉर्मल लोगों के लिए काम करती है, और कई हमारे गुरु जी ने भी बता दिया था कि ये बहुत बड़ा ग्रास है, इससे बच सकते हो तो बचो, ईश्वर की प्रार्थना करो। तो आप देखो मेरे पड़ोस वाले को हो गया, वो चला गया, मैं बच गई, ग्रास था जबकि हम एक ही जगह पे हैं, ग्रास काल का ग्रास की मतलब बोलना चाहिए, काल काल ईश्वर ही भेजता है, वो उसकी क्या गणना है उसके बारे में तो हम अभी कुछ, मैं अभी मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र की एक बूंद का भी 100वां अंश भी मुझे नहीं पता है, इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र है। वो मुगल काल में सारी चीज़ें जला भी दी थी, आधी से ज़्यादा किताबें मुगल काल में हमारी लाइब्रेरीज बहुत सारी जला दी गई, गुरुकुल बंद कर दी गए तो किताबें भी जला दी गई, जो किताबें हाथ से लिखी हुई थी, जो गणनाएं थी, विमान बनाने की कला थी, ज्योतिष में आपके बारे में इतनी गणना, राम भगवान के बारे में गणना कर दी गई थी कि इनको वनवास होगा, इनको इनको अपनी बोलना चाहिए भार्या सुख नहीं है जीवन में, हुआ ना, तो क्या बदल नहीं सकते थे ईश्वर, बदल सकते थे, पर वो चीज़ें ऐसी थी कि अगर बदल देते तो वो ईश्वर नहीं रह जाते। इसीलिए कई बार ज्योतिष को भी हमें जो आपके जीवन में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते चले जाएँ और ईश्वर का धन्यवाद करते चले जाएँ कि हम सही सलामत आगे, एटलीस्ट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलती का नाम जिंदगी, ऐसा बोला जाता है कि चलते रहने वाली कंडीशन रखे, ज्योतिष भी इसीलिए काम करता रहता है कि आप चलते रहें, आप अपने बारे में पढ़ते रहें, अपनी कुंडली के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। पहले के सब लोगों को होता था, आज से 50 साल पहले सबको अपनी कुंडली पता होती, सब बोलते थे हमारा शनि चल रहा है, मेरा गुरु चल रहा है, मेरे को अभी ऐसा हो गया है, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी बोलता था, अब इसको अंधविश्वास में बदल गया, अभी अंधविश्वास से भी धीरे धीरे समय आता है, बोला जाता है कि 30 शनि जब बदलता है तो 30 साल में रुखड़े के भी दिन बदल जाते हैं, रुखड़ा मतलब कचरा। अच्छा और एग्जाम्पल अपने भोपाल की भानपुरा की खंती है,
रानपुरा की खंती जहाँ पे जो कचरे का ढेर था, हाँ। वो अब देख लो बदल गया। शनि, जहाँ शनि ने अपना पैर बदला तो चीज़ें पूरी बदल देता है, और वो केवल इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन के जो विचार होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि दादी नानी है, उनसे भी पहले टाइम पे पता ही नहीं होता था कि कब पैदा हो रहे हैं। हाँ। बोल दिया था कि अमावस्या के दिन पैदा हुए, हाँ। इस दिन ये हुआ था तो ये पैदा हुए। जैसे मेरी दादी बोलती है मेरे भुआ लोगों के या पापा लोगों के बर्थ में कि आखा तीज पे या ऐसे कुछ, हाँ, ऐसे बोल रहे, कुछ तो तिथियां बता देती होंगी, हाँ, कि गोधूली चल रही, हाँ, थी तो और गाय गाय घर जा रही थी। तो उनको तो पता ही नहीं होता था कि किस डेट पे आए हैं, किस टाइम पे आए, तो टाइम और डेट के हिसाब से तो कुंडलियां बनती है। तो फिर पहले कैसे पता चलता था कि कौन सा दोष है, कैसे कुंडली बनी, कैसे शादी हो गई? प्रश्न कुंडली बनाते थे। आज भी शादी के लिए टीप लिखी जाती है। टीप लिखने का मतलब लगन का टीप, लगन का समय क्या रहेगा। बीच में एक काल आया जब हम आजाद हुए थे 1947 ऑनवर्ड्स, जब गुरुकुल ख़त्म हो गए, लोगों ने अंग्रेजी पद्धति के ऊपर चले गए, तो बीच के 22 साल लगभग ऐसा समय आया जब कुंडलियाँ नहीं मिलाई गई, शादियाँ ऐसी हो गई और वो चली, ऐसी हो गई, चली कहीं, चली कहीं टूट गई। ऐसा नहीं है कि सब चली, कई शादियाँ चली कई टूट गई। आज भी वही चल रहा है, कई शादियाँ चलती हैं कई टूट जाती है, कई कुंडलियाँ हम मिलाते हैं वो शादियाँ भी टूट जाती हैं, क्योंकि हमने बोला था भैया शादी के समय आधा किलो मूंग की दाल का दान कर देना, या चने की दाल का दान कर देना, या आप लड्डू का दान कर देना, या सोने की एक ग्राम का कोई पत्रा दान कर देना। लोग नहीं मानते, कई बार नहीं मानते, भूल गए, बोले हम भूल गए, फिर क्या करें, अभी क्या करें, मैं मेरे पास उपाय नहीं है। पर 99% ऐसे ही होता है कि अगर मैं बोल देती हूँ कि इससे शादी ना करें तो रुक जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके उसके साथ विवाह के, विवाहतर संबंध जो बोलना चाहिए, आगे के संबंध अच्छे नहीं। समय के साथ रेखाएं बदलती है, रेखाएं बदलती, कर्मों के साथ बदलती है। कितने समय के बाद? जैसे आप, ऐसे समय फिक्स नहीं है। अच्छा। अगर अभी एक और, अभी एक व्यक्ति से मैं मिली हूँ जो कि आपकी हाथ की रेखाएं देख के आपकी कुंडली बना देते हैं, तो ये और ये जो छापा कुंडली का है वो एक है। तो जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, समय अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आपके जीवन में आने वाला है तो उसके साथ साथ आपकी रेखाओं में भी परिवर्तन होता है। तो हाथ, मतलब हाथ पढ़ना या फेस रीडिंग, बहुत सारे लोग पैर देख के अपना फ्यूचर बदल, सबकी पढ़ाई अलग अलग होती है? नहीं, पढ़ाई अलग अलग नहीं होती है, पर हाँ ये ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी के। अच्छा। शारीरिक विज्ञान जो बोलना चाहिए, एक शरीर विज्ञान होता है, आपकी आपकी आँखें कैसी होंगी, आपकी आईब्रोज कैसी हैं, नोज कैसी हैं, लिप्स कैसे हैं, ये ग्रह बताते हैं। ग्रह बताते हैं कि आपकी शारीरिक आकृति कैसी रहेगी, उस आकृति के बेसिस पे अगर आपकी कुंडली आपसे मिलती है तभी हम आगे चलते हैं। जैसे अगर हम कुंडली देखते हैं तो सही तरीका ये है कि आपके यहाँ कुंडली दिखाने वाला किस व्यक्ति, वो व्यक्ति आपके दरवाजे पे किस समय आया, वो कुंडली, उसने आपको कभी फ़ोन किया था या आपसे संपर्क करने की कोशिश की थी, वो समय क्या था, वो आपके घर कब आया, और आपकी कुंडली जो उन्होंने दी है आपको, तीनों कुंडलियाँ देखो, अगर आपके राशि एक आती है तो वो व्यक्ति की कुंडली सही है। अच्छा। राशि एक आती है, अगर मान लो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं अभी 4 बजे आने वाला हूँ, मैडम टाइम नहीं है, तो मैंने कहा नहीं 5 बजे, देखो समय बदल गया। हाँ। वो 4 बजे बोल रहे थे पर मैंने कहा नहीं 5 बजे। दूसरा समय, ये आ रहे थे 4 बजे पर कुछ कारण आ गया तो 4:30 बजे मेरे गेट पे इन्होंने दस्तक दी। जब दरवाजे पे 4:30 आया तो मेरे पास 4:30 की कुंडली मैं बनाऊंगी, इनकी जन्म कुंडली रहेगी, प्रश्न कुंडली रहेगी और आने समय की कुंडली रहेगी। तब जाके अगर तीनों की राशियाँ एक आती हैं या राशियों की एक डिग्री आती है तो 100% इनकी जन्म कुंडली सही है। और किसी की जन्म कुंडली ही नहीं है, किसी के पास डेट टाइम प्लेस ही नहीं है, तो फिर प्रश्न कुंडली और वो किस समय आपके दर पे आया। इसीलिए बोला जाता है ज्योतिष के दर पे जाइए, क्योंकि वो दरवाजे पे जाने का महत्व है कि आप किस समय उसके यहाँ पहुँचे, वो समय और आपने कुंडली बनाई और जब उसने प्रश्न किया, दो कुंडलियों से आप बहुत कुछ उसके बारे में बता सकते। जैसे हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए होता है ना, कि लेके जाते हैं घर वाले कि बता दीजिए हमारे बच्चे का फ्यूचर में, फ्यूचर उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ इसको ज़्यादा उन्नति मिलेगी। हाँ। तो ये सब भी देखा जा, हाँ, सकता है। ये भी देखा जा सकता है। और अगर वो उसमें ना जाए तो किसी और में चला जाए तो? देखिए अगर उसको प्रसिद्धि मिलना है तो दूसरे क्षेत्र में भी मिलेगी, पर अल्टीमेटली वो अपने क्षेत्र में वापस आ जाएगा। तो ऐसा मतलब फर्क नहीं पड़ता है पहले, क्योंकि होता है ना कि एक ज्योतिषी के पास जाओ वो कुंडली अलग बताता है, दूसरे के पास जाओ दूसरा अलग बताता है, जितने के पास जाओ सब अलग अलग बताते हैं। जब आप एक ही कुंडली है, एक ही आपका टाइम डेट है, सब कुछ एक है, तो फिर आप कुंडली अलग अलग क्यों बताते हैं ज्योतिषी? ज्योतिष गलत नहीं है, तरीके अलग अलग। ओके, अलग अलग तरीके, नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा होता है। फ़ायदा आप उपाय करेंगे फ़ायदा ही होगा, अंधविश्वास ना करें, विश्वास करें। ज्योतिष से भी आप सवाल कर सकते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखें,
थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए ज्योतिष के बारे में, क्योंकि ये दिनचर्या का पार्ट है। शुभ तिथियाँ कौन सी है, कब हमें उपवास करना चाहिए, व्रत कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, अभी अक्षय तृतीया गई, क्यों इतना इंपॉर्टेंस था, क्यों उस दिन मटका रखा जाता है, क्यों नए मटके नए घड़े की पूजा की जाती है, दान किया जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उसी दिन हो रही है ना। और हम तो डेट पे नहीं जाते, हम तो तिथियों पे जाते हैं, तिथियाँ नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र के बेसिस पे काम लोग छोटी छोटी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष को अंधविश्वास बोलते हैं। जैसे कि सामने से वो बिल्ली रास्ता काट ले तो रुक जाओ, लेकिन फिर भी ज्योतिष पे नहीं। देखिए, बिल्ली वाला रास्ता काटना हिंदुस्तान का नहीं है, इंडिया का नहीं है, अंग्रेजों की परंपरा है, 13 नंबर अंग्रेजों की परंपरा है। हम तो 13 को शुभ मानते हैं। अच्छा, 13 दान? हाँ, 13 दान करना हमको शुभ होता है, 13 चीज़ें दान की जाती है, हम तो शुभ मानते हैं। हमारे यहाँ 13 को अशुभ नहीं माना जाता। बिल्ली के रास्ता काटने को हम अशुभ नहीं मानते, अंग्रेज आए तब से मानने लगे। तो अंग्रेज देखिए, बहुत बड़ा एक नया कल्चर डेवलप हुआ मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स के बाद में। उस कल्चर के भी बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ गए ना, गुण तो हम निकाल नहीं सकते। अभी तो जीन्स बदल गए हमारे, तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। राम राज्य आया है तो चीज़ें भी बदलेगी परिवर्तन आएगा। पर देखिए, आप इसको हम मतलब बोलना चाहिए, एक तरह से डिक्लाइन नहीं कर सकते कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे और मुगल्स के अंडर में बहुत लंबे समय तक रहे, तो थॉट में चीज़ों में बदलाव आया है। बिल्ली का रास्ता काटना हमारे अशुभ नहीं होता था, पर बिल्ली पालना हम अशुभ मानते हैं। कबूतर का घर में आना अशुभ मानते हैं, है ना। कबूतर आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो अशुभ माना जाता है, क्योंकि उसकी फड़फड़ाहट जो होती है वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। और साइंस भी प्रूव कर चुका है कि कबूतर जहाँ होता है वो जगह की फ्रिक्वेंसी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। आप देखो दिल्ली मुंबई कबूतरों का घर है, पर छोटी छोटी जगह चिड़ियाओं का घर है, जहाँ छोटी चिड़िया गोरैया होती है वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर बर्ड की फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव है। मतलब सारे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, आपके घर में कबूतर घोंसला बनाए तो उसको बनाने मत दीजिए, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, उसको हटाइए, एकदम से नहीं हटाइए पर उसको आने ही ना दें। आने नहीं दोगे तो घोंसला भी नहीं बनाएगा वो। और बाकी जैसे कबूतर हो गया, और कोई ऐसा बर्ड है जो ऐसे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी का ऐसा होता है? बहुत सारे होते हैं पर एकदम से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अपने यहाँ तो दिखते नहीं है। शहरों गाँव में माना जाता है उल्लू दिख जाए तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, पर अभी तक मैंने उसको मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बता सकती हूँ जो मैंने अभी अपने 22 साल के करियर में देखी। अच्छा, पैरेट का तो ऐसे कोई असर नहीं होता है? पैरेट का पालते हैं लोग। नहीं देखिए, कोई भी किसी भी आपको ही मैं कैद करके रख दूँ, मैं बोल दूँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलो, एक दो दिन तो अच्छा लगेगा, तीसरे दिन से आपके अंदर नेगेटिव थॉट आने लग जाएगा ना। पर हाँ, आपने कितने प्रेम से रखा है उसको, आपने उसको कितना फ्री रखा है। हमने भी एक छोटा सा पैरेट रखा था घर में, पर वो पूरे घर में घूमता था, वो कभी भी पिंजरे में नहीं सोता था। आप सोचो, जिस रजाई में हम सोते थे उसी के पैर में वो आके सोता था। बस हमको बिल्ली के डर से उसको कहीं ना कहीं, कभी हम जाते थे तो उसको एक उसमें रखना पड़ा। पिंजरा तो सबके लिए बुरा है, पाल सकते हैं पर उतना ही जितना कि अगर आपको सच में कहीं पर मिल गया है, वो अनाथ हो गया है तो आप रखें, अदरवाइज कोई भी पशु पक्षी नहीं पालना ही बेटर है, क्योंकि वो मतलब बोलना चाहिए एक वातावरण उनके लिए एक अलग है, अलग जीवन है उनका, उसमें हम उनमें बंधन डालना गलत बात होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है? सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोग बोलते हैं आप सबसे पहले, क्योंकि 9 बजे तक ही सूर्य को जल चढ़ाने का शास्त्रों में कथन है, 9 के बाद सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर एक थॉट आता है, एक विचार बनने लग जाता है, जल्दी उठ के जल्दी स्नान करके, आप जल्दी उठेंगे जल्दी स्नान करेंगे, मन की और तन की शुद्धि के बाद ही आप किसी काम को करने के लायक होते हैं। इसलिए बोला जाता है सूर्य मजबूत हो गया, क्यों? क्योंकि आलस्य जीवन में से खल चला गया, तरीका है आलस्य को हटाने का। तो अब आप बोलेंगे तो हम ऐसे ही उठ जाते हैं, रोज़ 5 बजे उठता हूँ मैं तो, 5 बजे योग करता हूँ मैं, एथलीट्स जो होते हैं वो 4 बजे से उठ जाते हैं, तो उनका सूर्य मजबूत है तभी तो एथलीट्स हैं, अदरवाइज आपके जैसे सूर्य को जल चढ़ाना पड़ता ना। सूर्य मजबूत है इसीलिए सूर्य को जल नहीं भी चढ़ा रहे तो भी चल रहा है, पर जिसका सूर्य वीक हो, कमज़ोर हो, नीच का हो कुंडली में, उसको जल चढ़ाने का बोला जा बात भी किया जाता है कि भाई उठो तो तुम जल्दी उठोगे, विचार वैसा बनेगा, काम करने के लिए जल्दी तैयार हो जाओगे, और आपके जीवन में केवल 12 घंटे में से जो आप 3 घंटे खाने पीने, 6-7 घंटे सोने में चले जाते हैं, 24 घंटों में से ये जो समय, उसमें से आपको 2-3 घंटे और ज़्यादा मिलेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ये तरीका है जल चढ़ाने से, आपकी फ्रिक्वेंसी आप ही में बदलाव आएगा, किसी कोई दुनिया में किसी के कोने में ज्योतिष के उपाय से बदलाव नहीं आता है।
आप हम बदलेंगे जग बदलेगा कॉन्सेप्ट है, हमको बदलना पड़ेगा। ये जितने भी उपाय आप करते हैं, आप कोई स्टोन पहनते हैं, आप कोई कलर पहनते हैं, आपके अंदर ही बदलाव आता है, और आपका बदलाव चार लोगों को महसूस होगा तो वो आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जो आपका बदलाव है, इसीलिए बोला जाता है। कलर की बात की आपने, तो कलर अपने हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। हर दिन का एक कलर होता है, उस कलर को चूज करके पहनने से वो फ्रिक्वेंसी आप ज़्यादा जनरेट करते हो, आप जनरेटर हो जाते हो। तो बेसिकली काला कलर हम नेगेटिव बोलते हैं, शनि महाराज के कलर भी बोला जाता है, बुध का कलर हरा हो जाता है, शनि का कलर नीला भी होता है, बहुत घूसर नीला भी होता है, राहु केतु का घूसर मिट मटमैला कलर जो आते हैं, जितने भी मटमैले कलर आजकल बहुत फैशन में है वो आते हैं। आपका जो बोलना चाहिए चंद्रमा का कलर सफ़ेद बोला जाता है, शुक्र को उजला सफ़ेद कलर बोला जाता है, तो ग्रहों के कलर है ना। अब वो कुछ कलर से मिलके बहुत सारे कलर्स बन गए, बहुत सारे कलर्स हम देखते हैं आजकल, तो वो कलर्स का आपके जीवन पे प्रभाव होता है। अगर आप अपने कमरे का, अपने कपड़ों का कलर बदलते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा ही, आपके अंदर चीज़ें बदलेंगी। चीज़ें बदलती है मतलब आप कुछ नया, अच्छा और पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मेरा यही है कि आप दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबसे पहले अपने लिए करते हैं, फिर अपने परिवार के लिए, उससे उठ के आप अपने आसपास के समाज के लिए, फिर पूरी दुनिया के लिए आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कलर काम करते हैं। स्टोन जो पहनते हैं, नीलम पन्ना, नीलम दो लोग तीन लोग पहनते हैं, हाँ ऐश्वर्या राय पहनती है और अमिताभ बच्चन नीलम पहनते हैं, शनि बहुत प्रबल है उन लोगों का। अच्छा, नीलम पहनने से क्या हो जाता है? प्रसिद्धि, हर किसी को सूट भी नहीं करता है, हाँ लोगों को नीलम, बीमार कर देता है। जब भी आप कोई स्टोन पहने तो अगर आप में 4-5 दिन आप बहुत नेगेटिव थॉट आने लग जाएं, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएं, आपको बहुत नींद आने लग जाए, तो आप सोचो कि हाँ अभी मैं कुछ खाली होने वाला हूँ, तो फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी, फिर आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तब असर कर रहा है। अगर ऐसा चीज़ें नहीं हो रही है, आपको बीमारी नहीं आ रही है, आपको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो पत्थर असर नहीं कर रहा है। पहले नेगेटिव असर करता है 5-6 दिन, फिर पॉजिटिव होता है। और ये स्टोन्स तो बहुत महंगे भी आते हैं, तो बहुत महंगे, अब नॉर्मल इंसान तो उनको खरीद नहीं सकता, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो आप घर में 2 केले के पेड़ लगाएं, और 2 केले के पेड़ों के बीच में आप हल्दी की 2 गांठें उसी की मिट्टी में डाल दें गमले में, और रोज़ उसकी पूजा करें, गुरु मजबूत होगा। अब आप बोलोगे इसमें तो अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, आपने पीले रंग को प्रबल कर रहे हो, आप गुरु मतलब जो केला है वो गुरु का एक तरह से बोलना चाहिए एक प्रकार है, जो हम यहाँ पे प्रतीक बोलते प्रतीक हैं। बोल हाँ। सकते हैं कि प्रतीक को हम उपयोग कर रहे हैं, उसका अगर आप रोज पूजा करेंगे तो आपके गुरु प्रबल हो जाएगा कुंडली में। पर पुखराज पहनने से क्या होगा, पुखराज पहनने से भी उतना ही असर होगा, पुखराज 24 घंटे आपके साथ रहेगा, आपने उंगली में पहना 24 घंटे रहेगा, पूजा आप केवल कुछ समय के लिए करोगे, तो प्रभाव का जो बोलना चाहिए एक जो बोलना चाहिए कि टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप पूजा करते हो तो उसकी टाइमिंग 6 महीने हो जाएगी, पुखराज पहनोगे तो उसकी टाइमिंग 3 महीने 2 महीने में आपको परिवर्तन दिखने लगे, क्योंकि आपने 24 घंटे पहना हुआ। ये सब्स्टिट्यूट है, या लोग बोलते हैं हल्दी की गांठ रख लो, थोड़े टाइम लोग रखते हैं फिर उसमें कुछ धुन लगने लग जाती है, वो ख़राब होने लग जाती है, इसीलिए ये पत्थर जो है वो सब्स्टिट्यूट में आए हैं और प्रभाव डालते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव नीलम और हीरे का होता है जी, नीलम का भी सब्स्टिट्यूट है, आप नीलमणि करके एक पत्थर आता है, नीली आता है, वो पहन सकते हो। और हीरे का? हीरे का सब्स्टिट्यूट आपका अमेरिकन डायमंड है। ओके, मतलब हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट है, और अगर आप ये भी नहीं पहनते हो तो उसके लिए पूजा है, वो भी नहीं करते हो तो मंत्र है, मंत्र जाप आप कर सकते हो, हर किसी ग्रह के लिए एक मंत्र है। मंत्रों से क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रिक्वेंसी की ही बात करूँगी, आपने बोला ओम है ना, आपने बोला ओम, फिर आपने बोला ओम, चीज़ें बदलती है। मंत्रों को मंत्र की तरह पढ़ना पड़ता है और उतना समय दिमाग शांत रख के बैठना पड़ेगा। मंत्र स्टोन से ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब कोई ना कोई मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, आपके कुंडली में आप देखिए कि कौन सा ग्रह, आपने किसी से कभी पूछा और किसी ने बोला कि अरे आपका बुध बहुत मजबूत है, बुध का मंत्र पकड़ लो, बहुत तरीके के मंत्र आते हैं है ना, कीलक मंत्र आते हैं, शांति मंत्र आते हैं, जाप मंत्र आते हैं, जो मंत्र आपको सबसे सरल लगता है और जिसका उच्चारण आप बहुत अच्छे से कर सकते हो वो मंत्र ले लो, और इतनी आवाज़ में पढ़ो जिसमें आपको कान में आवाज़ आए, है ना, जैसे मैंने ओम, मुझे अपनी आवाज़ आनी चाहिए तब वो मंत्र काम करे। ओम बोलते हैं तो वो बॉडी में वाइब्रेशन भी होता है, वाइब्रेशन ही है, वाइब्रेशन ही है,
पूरा संसार ओम पे ही टिका हुआ है, पूरे संसार की फ्रिक्वेंसी ओम पे। जिसलिए कई लोग जो बहुत बीमार होते हैं, जो मंत्र जाप नहीं कर पाते ना, जिनको हम कोई पत्थर भी नहीं पहना पाते, फिर हम उनको बोलते हैं लेटे लेटे ओम पढ़िए, पढ़ते हैं। हमने अपना, मेरा भाई, मेरा कज़िन ब्रदर, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने उसके लिए कंटिन्यू ओम का जाप उसके साथ में बैठ के किया, उसका हाथ पकड़ के ऑपरेशन थिएटर में। वो बोला कि मुझे पता नहीं कब ऐसा लगा कि मेरे पूरे चारों तरफ ओम ही ओम घूम रहा है। उसको ऑपरेशन में ही लगा, जबकि उसको सर में चोट आई थी। ये प्रभाव है ओम का, कितने मन से, तल्लीनता से, शांति से आप उस जाप को, भले ही आप 2 सेकंड करो, पर आपके अंदर उस 2 सेकंड में आप उस ओम के लिए हो जाना चाहिए, ओम आपके लिए हो जाना चाहिए। अपन बात कर रहे थे पहले कि सुबह जल्दी उठने से अच्छा होता है, समय ज़्यादा मिलता है। आजकल लोग सुबह नहीं, रात तक काम करते हैं और सुबह 11-12 बजे तक सोते रहते हैं, फिर उनका दिन शुरू होता है, रात को 2 बजे 3 बजे ख़त्म होता है। तो तभी तो हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना जीवन में, बढ़ा है ना। कभी भी सडनली डेथ हो गई, 30 साल का लड़का, 22 साल की लड़की, कभी कैंसर हो रहे हैं, अजीब अजीब बीमारियां हो रही है। अभी एक कुंडली दिखाना है, उनको उनकी आंखों की पलकें बंद हो जाती है, उम्र कितनी है, 42 साल, अपने आप पलकें बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है। स्ट्रेस, एन्जाइटी, हमने भारत में कभी एन्जाइटी, डिप्रेशन जैसे शब्द मैंने तो बचपन में नहीं सुने थे, ये पिछले 10 सालों से सुन रही हूँ मैं, किसको एन्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया और नींद की गोलियाँ डॉक्टर दिए जा रहा है। मैंने तो पिछले 2 साल से सुना है कि ये क्या होता है एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन हमने बचपन में कभी नहीं सुना। हाँ, हमारी मम्मी तो ज़्यादा बोल दो कि अरे मुझे टेंशन हो रही है, तो हमारी मम्मी तो चप्पलों से हमारा स्वागत कर देती थी, है ना। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी कोई कभी बचपन में किसी ने नहीं सुनी होगी, पर अभी हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन, स्ट्रेस हो गया है, काम नहीं हो रहा है, इतना स्ट्रेस। अभी ऐसे ऐसे बच्चों से मिल रही हूँ, अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के घर बैठ गए, क्यों स्ट्रेस है, क्योंकि वो अकेले जा नहीं सकते, अकेले फ्लाइट में नहीं जा सकते, अकेले सफ़र नहीं कर सकते, अकेले कमरे में नहीं रह सकते, स्ट्रेस एंजाइटी हो गया। अच्छी अच्छी जॉब, अपनी 25-25, 50-50 लाख का पैकेज छोड़ के, भोपाल में 3 लड़के हैं जो अपनी जॉब छोड़ के घर में बैठे हैं। तो अगर आप रात में जाग के काम कर रहे हैं, देखिए समटाइम्स इट्स हैपन्स कि भाई हमें कुछ काम बहुत ही अर्जेंट होता है जीवन में जो करना ही है, तो ठीक है, पर अगर आपका शगल बन गया है कि आप रोज़ ही यही करते हो, तो फिर तो आपके स्ट्रेस और एनजाइटी बढ़नी है। पर फिर क्या कर सकते हैं जी, अभी बोलोगे बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, आईटी कंपनीज हैं जो कि रात में ही काम करना है, दिन में तो काम कर नहीं सकते, तो क्या करें, कुछ नहीं करें। जब आप सोते हैं तो ईश्वर का नाम लेके सोएं, जब उठते हैं तो स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी उठ रहे हैं दिन में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत नहीं, मतलब पूरी तरीके से आपको बिस्तर से उठने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को ऐसे रखें आराम से, थोड़ी देर इसकी ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ते रहें, रगड़ने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे, धीरे धीरे, ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे रगड़ते रहें, और उसके बाद जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि स्वस्थ शरीर दे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आप उसके बाद अपना बिस्तर, कम से कम अपने पूरे जागृत अवस्था के बाद 5 मिनट बाद अपना बिस्तर छोड़ें। मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मैं भी बीच में बहुत बीमार पड़ गई थी, मैंने केवल यही उपाय किया और सूर्य नमस्कार किया, मैं ठीक हूँ, भगवान ने अपनी दया बनाई हुई है, और इससे फ़र्क पड़ता है। ये मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा, करके देखिए 10 दिन में परिवर्तन दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। ये बोलते थे घर में भी कि ऐसे हाथ करके देख के फिर मुंह पे ऐसे हाथ रख कर, फ्रिक्वेंसी चेंज, आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा आप ही की, ऊर्जा आप ही के अंदर समाहित हो जाए, ऊर्जा की कुंडली भी ऊर्जा की ही बात करती है। जितने पत्थर पहन रहे हैं, जितने हम मंत्र कर रहे हैं, जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, सब ऊर्जा है। ऊर्जा का आदान प्रदान साइंस का रूल है, है ना, आइंस्टीन ने बोला था ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम केवल बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं। तो स्वरूप बदलने के लिए हमें अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने भोजन में, आप क्या खाते हो, सात्विक भोजन खाते हो कि नहीं खाते हो, सात्विक भोजन में, अब भाई आप पूरे महीने आपने अच्छा भोजन किया, एक आध दिन पार्टी चलता है, पर आप रोज़ पार्टी कर रहे हो, वो गलत है, फिर तो आपका शरीर भी ख़राब होगा, और शरीर ख़राब होगा तो मन भी ख़राब होगा। आप बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखते होंगे, कुछ लोगों को तो मैं भी जानती हूँ, अंदर से पूरे खाली हैं, दुखी जिसको बोलते हैं, हम बहुत सुखी हैं, मैं तो बोलती हूँ हम बहुत सुखी हैं, और ईश्वर की मतलब बोलना चाहिए कृपा है कि हम बहुत सुखी हैं, वो दुखी हैं अंदर से अकेले, क्योंकि हर किसी पे शक होता है ये मेरे साथ है कि नहीं है। ये शक लोगों को जीवन में अकेलापन,
खा चुका है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप चले जाओ, इवन तो भोपाल में भी कंडीशन देख रही हूँ, लोग अकेले हैं, लोगों को किसी की ज़रूरत है ना। तो ये मैं तो बोलूँगी कि आपको ज्योतिष जीना सिखाता है, कैसे जीना है आपको, सुबह से शाम तक कैसे काम करना है, अपने दिन की प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये ज्योतिष बताता है। आजकल ओवरथिंकिंग भी लोग बहुत करने लगे हैं। ओवरथिंकिंग क्यों करने लगे हैं? क्योंकि अकेले हो गए आप। ज्योतिष में इसका कोई उपाय नहीं है ओवरथिंकिंग का, पर मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो विचारों की शांति के लिए आप मोती पहन लें। अगर आप मोती पहनते हैं तो आपके दिमाग की ऊर्जा गलत डायरेक्शन में न जाके केवल एक ही डायरेक्शन में थॉट रखती है, आप नेगेटिव थॉट नहीं रखते और शांत दिमाग हो जाता है आपका। मोती पहन सकते हैं, हर कोई पहन सकता है, ऐसा नहीं कि इसको मोती नहीं पहनना है, इसको पहनना है, मोती हर कोई पहन सकता है, पर पर्टिकुलर टाइम के लिए। अभी ज़्यादा थॉट है, अभी 2-4 महीने से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, मोती पहन लीजिए, 2-4 महीने में जब शांति हो जाएगी तो मोती उतार दीजिए। अच्छा, इनका भी टाइम होता है? टाइमिंग है, हमेशा तो गोली नहीं खा सकते हो ना आप, टैबलेट हमेशा खाते हो बीमारी की? नहीं ना, नहीं। आप बीपी की खाते हैं, शुगर की खाते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी में कुछ स्टोन होते हैं जो आपके बोलना चाहिए कि कुंडली के रत्न हैं, भाग्य रत्न, उनको आप हमेशा पहन सकते हैं, बाकी रत्नों को समय समय पर पहन के समय समय पर उतार देना चाहिए। तो कुंडली इंडियंस के लिए होती है या बाहर? पूरी दुनिया के लिए होती है। तो अदर कंट्रीज में तो कुंडली होती नहीं है? कुंडली होती है, उनको मालूम नहीं है, होती नहीं है वाली बात नहीं है, पता ही नहीं है। तो फिर जिसका पता नहीं, तो देखते हैं मूवीज, देखते हैं ना वो लोग एक बॉल रखते हैं वहाँ पे, जितना फ्यूचर हमारे यहाँ अंधविश्वास नहीं है। रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जर्नल, जितना अंधविश्वास भारत में नहीं है उससे डबल अंधविश्वास अमेरिका में है, यूरोप में है। हम तो फॉलो करते हैं शास्त्र को, उनके पास तो कोई शास्त्र ही नहीं है ना फॉलो करने के लिए, उनको ज्योतिष का पता नहीं। पर जिन अंग्रेजों को ज्योतिष का पता चल जाता है वो, और जब समझ में आने लग जाता है तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके उनका धर्म भी बताता है। आपने तो बहुत सारे देखे होंगे ना, बहुत सारे ऑनलाइन मैंने देख रही हूँ, अभी ये कोई देवता है, फिर ये देवता ने तुमको शांत कर दिया, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट पर, वो मुझे पता नहीं है उनके बारे में, पर वो लोग अपने तरीके से करते हैं। टैरो कार्ड उन्हीं लोगों से हमारे तरफ आई है, हम तो नहीं जानते थे टैरो कार्ड, और फिर एक नया स्टोन वाला भी सिस्टम आया, पेबल सिस्टम, वो पत्थर जमा देते हैं, फिर आपने जिस पत्थर को चूज़ किया उसके बेसिस पे आपको भविष्य बताते हैं, है वो हमसे ज़्यादा करते हैं और मानते हैं और उपाय भी करते हैं। आखिरी में एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको पता है भविष्य में क्या, आप सबकी कुंडलियाँ देख, खुद की कभी कुंडलियाँ, खुद का ऐसे कभी हाथ देखा कि अरे ये होने वाला है? देखा है, मेरे 40s में मतलब मुझे घात योग था अभी पिछले 3 महीने पहले, और वो घात आया, मैंने उसके लिए बहुत सारे उपाय करके रखे थे, फ्रिक्वेंसी काम थी, पर आया और निकल गया। और ये था कि घात इतना बड़ा था कि बहुत कुछ हो सकता था, पर बस ये था कि मैं 5 दिन के लिए बेड रिडन हो गई थी, पर मैं उसके बाद ठीक हो गई, मुझे पता था होने वाला है, बहुत अवेयर थी मैं उसके बारे में, पर और अवेयर थी होने के बाद भी हुआ, पर मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। अगर मैं, डॉक्टर ने मुझे बोला, जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो मुझे बोला कि आपके जैसी कंडीशन वाला तो सीधे बेड पे आता है और 2 महीने हम उसको बेड से उठने नहीं देते। मैंने कहा मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊँगी, बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे इतना पता है कि मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊँगी। मैं 5 दिन में ठीक हो गई थी, 5 दिन बेड रिडन थी, 5वें दिन पर मैं खड़ी हो गई थी, मुझे पता था कि मैं ठीक हो जाऊँ, अब नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी भी मुझे पता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम अपनी कुंडली उतना ही देखते हैं जितना ज़रूरी है बीमारी में। अपने बच्चों की कुंडली मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं देखी है, पर हाँ उनका जब करियर ऑप्शन आएगा तो करियर चूज़ करने का टाइम आएगा तो मैं ज़रूर देखूंगी। जब बर्थ हुआ था उस डे पे मैंने देख ली थी कि अभी ठीक है सब, अभी हमको कोई मूल की शांति या कोई पूजा पाठ या कोई ग्रहों का कालसर्प दोष या ऐसा कुछ है तो उसकी शांति नहीं करवानी, वो हमने देख लिया था। और हस्बैंड का भी, मैंने जब कोरोना हस्बैंड को हुआ था तब मैंने अष्टम भाव में मंगल था, अष्टम में मंगल आ जाए नीच का आ जाए तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। अच्छा, हस्बैंड को कोरोना होने वाला था, उसके पहले ही मैंने बोला था कि कुछ संभावना तुम्हारे साथ है, तुम सब दूर से बच के रहना, पर ऐसा मेरे ही जीवन में हुआ। कोरोना 68% अफेक्ट कर चुका था, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, पर मुझे मंत्रों की शक्ति पर बहुत विश्वास था। आप इतना पता नहीं इस बात पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, पर मैंने महामृत्युंजय कंटिन्यूसली 5 दिन 5 रातें कंटिन्यू किया है।
वो फर्क पड़ा उससे बहुत। डॉक्टर हमारे घर आने लगा, हमको एक लड़का जो घर में आके इंजेक्शन लगाना और मेडिसिन देना वो काम करने लगा। और फिर मैंने सुंदरकांड का पाठ रोज, सुंदरकांड में बहुत शक्ति है, आपकी कुंडली के सारे प्रभाव को बदल सकती है। हम पता था कि ये होगा, मतलब जो होना है वो हो सक होगा लेकिन इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, इफ़ेक्ट हम कम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत शक्ति है, हम तो सबको बदल सकते हैं, पर आपने शक्ति को अपनी कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, अपने ऊपर आपको कितना विश्वास है, और विश्वास के बाद आप उस विश्वास पे कितना अमल करते हैं, वो चीज़ें ही ज्योतिष है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष आपको केवल जीवन की कला सिखाता है। अगर आपने सीख लिया तो आप अपना जीवन, परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, पर सबसे आप आराम से निकल जाएंगे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ऑडियंस को भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपने हर चीज़ लॉजिकली बताई है। और अगर जवाब नहीं मिले हैं तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, आप अपने सवाल भेजिए, हम आपको जवाब भी दे देंगे उनका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ अगर आपके कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। धन्यवाद।